क्या आप ऐसी मेम्ब्रेन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको कोई भी एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है? एजुकेशन माने जीपीडी कितना है, लेयर कितना है, मेम्ब्रेन का लाइफ कितना है, मेम्ब्रेन का साइज़ कितना होना चाहिए, वो सूटेबल होगा कि नहीं होगा, कौन से आर में कौन सा मेम्ब्रेन लगेगा, ये कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आज एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी ब्रांड रिकमेंड करने वाला हूँ जिसमें ये सारी झंझट उस ब्रांड ने ख़त्म कर दी है। एनर्जी सेव करती है, हाई फ्लो देती है, रिजेक्शन रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्गर लाइफ है। सो जल्दी से जानते हैं वो कौन सा मेम्ब्रेन है और किस तरीके से काम करता है और क्या आप उसे खुद फिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और मेम्ब्रेन में इसके अलावा और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इस मेम्ब्रेन को अगर बाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे लेकर ब्ला 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 जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है, आज इस वीडियो में आपको मैं सारे बताने वाला हूँ। सो आज हम जिस मेम्ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं उस ब्रांड का नाम है डुपॉन्ट टैप्टेक प्लस, जो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से बिक रही है, जहाँ पे जो टेक्नीशियन एक अपना रिलीजियन मान के अपने बिजनेस को चला रहे हैं वो इसी मेम्ब्रेन को रेकमेंड करते हैं। और ये मेम्ब्रेन जितने लोगों को हमने फिट किया है उसका रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला है। हमारे जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनका तो ये कहना है कि मेम्ब्रेन लगाने के बाद वो क्लाइंट को कभी ऐसा कंप्लेंट नहीं आया कि पानी का टेस्ट चेंज हो गया अचानक से, या पानी का फ्लो कम हो गया, या मेम्ब्रेन चॉकअप हो गई है, पानी भर ही नहीं रहा है आरओ। सो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा ये होने लगा है कि इस ब्रांड की मेम्ब्रेन को लगाने के बाद उनकी पंप की जो लाइफ है वो बढ़ गई, एसवी वाल्व की लाइफ बढ़ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेम्ब्रेन ख़राब होता है तो पंप पे भी लोड पड़ता है, कोई भी मेम्ब्रेन आप उठा के फिट कर दोगे उसके इफ़ेक्ट जो होती है ना वो सभी पे आती है। सो आप कोई भी मेम्ब्रेन फिट ना करें, सो डुपॉन्ट की टैप्टेक प्लस को आप ज़रूर से इंस्टॉल कीजिए। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। आप सबसे पहले मेम्ब्रेन में पानी जाता है उस पाइप को डिसकनेक्ट कीजिए, और वहाँ से पानी का फ्लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर पानी का फ्लो मेम्ब्रेन को मिलता ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में मेम्ब्रेन ख़राब नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं पंप का फॉल्ट होता है, एसवी वाल्व का फॉल्ट होता है, साथ में लगे फिल्टर्स लाइक सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, ये भी ख़राब हो सकते हैं। सो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पे आगे ब्लॉकेजेस तो नहीं है, सीधा हम मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उस जो पाइप होती है उस पाइप पे अंगूठा रखने से पानी की पिचकारी फोर्स से निकलेगी। सो आपको पता चल जाएगा कि पानी का फोर्स सही है। दूसरी बात, अगर पानी का फोर्स सही है तो आपको चेक करना है कि मेम्ब्रेन में से दो आउटपुट निकलते हैं, एक वेस्टेज वाटर का और एक प्योर वाटर का। अब वेस्टेज वाटर में आपको क्या करना है कि जो पानी निकलता है उस पानी के फोर्स को आप ब्लॉक कीजिए हाथ के अंगूठे से, और जैसे ही आप ब्लॉक करोगे, छोड़ोगे, ब्लॉक करोगे, शुद्ध पानी जो मेम्ब्रेन से निकलता है उस पानी के फ्लो में वेरिएशन दिखेगा। फ्लो रिस्ट्रिक्टर कहीं ना कहीं ख़राब है। अगर वैसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फाइनल डिसीजन है आपका मेम्ब्रेन ख़राब है। आपको अगर ये मेम्ब्रेन को बाई करना है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक रख दूंगा। आपको अगर स्टडी करना है, आपको मेम्ब्रेन ऑर्डर करना है, आप कर सकते हो। इस मेम्ब्रेन को स्पेशली इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके लिए ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपको इसमें मिल रहे हैं, और ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कैसे आइडेंटिफाई करें। ये डुपॉन्ट का टैप्टेक प्लस मेम्ब्रेन है, इसका रैपर कुछ ऐसे आता है। यहाँ पे एप्पल और एंड्रॉयड दो क्यूआर कोड दिए गए। जब आप इसे ओपन करेंगे सो मेम्ब्रेन कुछ इस टाइप का दिखेगा, और मेम्ब्रेन के ऊपर एक और क्यूआर कोड है। अब इसको आप स्कैन करोगे सो इसकी सारी डिटेलिंग आपके एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। इजी टू इंस्टॉल है, आप खुद इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कि बैरल को ओपन कीजिए, गंदा वाला मेम्ब्रेन को आप नोज प्लायर या तो पकड़ से पकड़ के उसे खींच के निकाल दीजिए, और सेम टू सेम पोजीशन में आप इसे फिट कर दीजिए। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। फिट कर दीजिए, वापस उस जगह पे लगा दीजिए,
पाइप को कनेक्ट कर दीजिए, स्विच ऑन कीजिए आरओ को, टेस्ट और पानी का फ्लो आपको एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्फिगरेशंस जो वैल्यूएबल है, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका TDS 500 ppm से 1000 ppm तक है, 130 से 125 GPD तक ये आपको वाटर आउटपुट का फ्लो देगी, यानी इसका पर आर जो वाटर रेशियो रहेगा 20 लीटर के आजू बाजू रहेगा। अगर आपका वाटर TDS 1000 से 1500 ppm तक का है, इसका फ्लो वाटर GPD 1500 मिलेगा। अगर लीटर के हिसाब से चेक किया जाए तो 18 लीटर पर आर के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर TDS आपका 1500 से 2000 के बीच में है, सो वाटर फ्लो GPD में 95 आपको मिलेगा, जो कि पर आर वाटर के हिसाब से 15 लीटर आउटपुट आपको मिलेगा। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।